इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या चीज है देखो, वो कहता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर में इन दिस प्रोसेस न्यूक्लियस कैप्चर्स वन ऑफ द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन मोस्ट लाइकली के शेल, जो न्यूक्लियस है ना के शेल का इलेक्ट्रॉन ही खा जाएगा, उठा के अपने अंदर जो है इन्वॉल्व कर लेगा। ऐसा क्यों करेगा यार, के शेल का इलेक्ट्रॉन तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस के पास है, तो वो क्या करेगा इसका इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा। अगर चलो ऐसा कर ले, चलो कर हमेशा तो नहीं करेगा, अगर ऐसा कर ले तो प्रोटोन इन न्यूक्लियस, तो जब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोन है वो कंबाइन हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ताकि किसमें कन्वर्ट हो जाए न्यूट्रॉन। तो होगा क्या, जब एक प्रोटोन, जब एक न्यूक्लियस के शेल का इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है वहां से उठा लेगा, तो प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देंगे न्यूट्रॉन, और एक न्यूट्रिनो पार्टिकल निकालते हैं। तो इसकी इक्वेशन कैसे आएगी, एक्स एलिमेंट है, एक्स एटम है, कोई भी न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन को लिखते कैसे हैं, ई जीरो माइनस वन लिख लो, ई जीरो माइनस वन, तो एक नया एटम आएगा वाई, तो ए प्लस जीरो ए, जेड माइनस वन इज जेड माइनस, तो ये आपको लिखना पड़ेगा एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैप्चर की इक्वेशन समझ में आ रही है कैसे बनेगी। तो अब अगर क्वेश्चन में आ जाए अल्फा पार्टिकल डीके, हमें आ गया हीलियम निकालना है, बीटा नेगेटिव ई जीरो माइनस वन निकालना है, बीटा पॉजिटिव ई जीरो प्लस वन निकालना है, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में यहां इलेक्ट्रॉन रखना है और फिर वाई एलिमेंट का आंसर देना है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, ये वैसे एक्सरेज की प्रोडक्शन में काम आता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे एक्सरेज कैसे निकलती है, पर इलेक्ट्रॉन कैप्चर का प्रोसेस वहां पर काम आएगा।